Assalamu alaikum dear students, welcome back to e-learning classes of IT. I am Imtiaz Ahmed Ittu, vocational trainer of IT from ITRC Technologies. हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड वी आर लर्निंग अबाउट अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू क्रिएट द डिजिटल डॉक्यूमेंट लिब्री ऑफिस राइटर. और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटिंग द डॉक्यूमेंट इन लिब्री ऑफिस राइटर. ओके लेट अस स्टार्ट. इन एडिटिंग द डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, मूविंग एंड कॉपिंग द टेक्स्ट एंड paste the text, and also we read about the undo and redo. Okay, let's start. First of all, open the LibreOffice Writer, right click, open. This is the LibreOffice Writer window and this is the new file, new page. To start typing in the blank document right here, abhi click karke nahi ki baar hum likhenge, suppose IT main is creating, managing, storing and exchange of information and a word processor software allows us to edit the text in the document. Okay. मैंने बड़ा नहीं लिखा क्योंकि हमें सीखना है सिलेक्टिंग द टेक्स्ट. जब हम सीखेंगे सिलेक्ट टेक्स्ट करना उसके बाद हम उसको बड़ा भी करेंगे, इसका साइज इंक्रीज करेंगे. टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट, डबल क्लिक इन द वर्ड टू सिलेक्ट अ वर्ड एंड क्लिक थ्राइस इंस्टेंटली टू सिलेक्ट द सेंटेंस. ओके मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, वर्ड हो गया सिलेक्ट. अगर मैं तीन बार क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये सिलेक्ट होता है एक सेंटेंस. अगर सारा सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे कर्सर मैंने रखा, यहाँ पे भी लिख हो रहा है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको. ओके यहाँ पे भी हमारा कर्सर है, मैं यहाँ पे कर्सर ड्रैग करता हूँ माउस, ये हो गया हमारा सिलेक्ट द टेक्स्ट. इस सिलेक्शन इन ऑर्डर टू सिलेक्ट ओनली वन वर्ड डबल क्लिक, हमें दो बार क्लिक किया एक ही. अगर सारा सेंटेंस यहाँ तक आता है तो तीन बार इंस्टेंटली क्लिक कर दीजिए, 1 2 3. ओके तो फिर हमने जब ये सिलेक्ट किया उसके बाद हम करेंगे पहले इसका इंक्रीज साइज करेंगे, सपोज इंक्रीज साइज. आज हमें सीखना है कट कॉपी पेस्ट. सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, दिस इज कट, हो गया कट एंड दिस ऑप्शन इज पेस्ट. पेस्ट से फिर से आएगा वापस, दिस इज पेस्ट. ओके अगर हमें शॉर्टकट से ही करना है कीबोर्ड शॉर्टकट से, तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे या कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट होगा, कंट्रोल ए से मैं सारा सिलेक्ट कर रहा हूँ कि माउस से नहीं, या मैं सिलेक्ट करूँगा पहले फिर कंट्रोल एक्स से कट होगा, कंट्रोल बी से ही पेस्ट होगा. दिस इज कट एंड कॉपी. टू सिलेक्ट द टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. मैंने पहले हमें सिलेक्ट टेक्स्ट करना है, वो माउस से करेंगे या कीबोर्ड से करेंगे या शिफ्ट एंड एरो की सब यूज़ करेंगे उसे भी सिलेक्ट होगा. हमने सिलेक्ट करने के बाद उसको कट या पेस्ट करना है. अब रहे कॉपी की बात, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है हमारा कॉपी, ये कंट्रोल सी से होता है. कॉपी से इसकी दूसरी कॉपी हम बना सकते हैं, ये दूसरी जगह पे हम ये टेक्स्ट लिख सकते हैं. हमने कॉपी किया फिर यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक पेस्ट, या ऐसे जहाँ पे ये हमें टेक्स्ट लिखना है सपोज यहाँ पे लिखना है तो फिर हम यहाँ पे ही पेस्ट करेंगे दिस पेस्ट, या यहाँ पे पेस्ट करेंगे. ओके दिस पेस्ट पेस्ट कॉपी एंड पेस्ट. सपोज अगर हमें ये एक ही बार पेस्ट करना था तो इसके लिए हमें ये अंडू प्रोसेस करनी है, ये जो हमने किया ये गलत हो गया तो ये नहीं करना था. तो हम पे हमारा एक ऑप्शन आता है जिसको कहते हैं अंडू एंड रेडू. हम एक बार अंडू पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप बैक जाएगा. अगर रेडू मीनस ये फिर से लाना है, एक ही हमें एक बार लिखना था, मैंने दो बार अंडू किया यहाँ पे, तो हम ये वापस भी ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन, दिस इज रेडू. टू रेडू कंट्रोल वाई एंड फॉर अंडू कंट्रोल जेड. कंट्रोल जेड से वापस आता है हमारा टेक्स्ट लिखना एंड कंट्रोल वाई से अंडू, कंट्रोल जेड से रेडू होता है एंड कंट्रोल वाई से अंडू होता है. ओके
ये हो गया हमारा सिलेक्टिंग द टेक्स्ट, एंड आफ्टर सिलेक्टिंग द टेक्स्ट कॉपिंग द टेक्स्ट, सिलेक्टिंग द टेक्स्ट कॉपिंग द टेक्स्ट एंड पेस्ट द टेक्स्ट। इन ऑर्डर टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, हमें अगर ये मूव करना है, ये सिलेक्ट हमने टेक्स्ट किया, इसको राइट क्लिक यहाँ पे करके कॉपी भी कर सकते हैं, या यहाँ पे कॉपी करते हैं, हमने कॉपी की एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कैसे यही लिखना है हमारी इस पेज पे भी, तो हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, दिस इज पेस्ट, एक पेज हो दो पेज हो गया, दिस इज कट कॉपी पेस्ट एंड दिस कट कॉपी पेस्ट अलाइज इन द टूल बार। ओके, अगर हमें इसको फॉर्मेट करना है तो फिर हम फॉर्मेट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार में जाएंगे, दिस इज़ आवर फॉर्मेटिंग टूल बार, इन फॉर्मेटिंग टूल बार वी कैन फॉर्मेट इट एज पर आवर नीड। सपोज अगर हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर, अगर फॉन्ट कलर देना है तो यहाँ से हम फॉन्ट कलर भी चूज़ कर सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज करना है सिलेक्ट करके हम इंक्रीज साइज़ करेंगे। ओके, ठीक, ये हो गया हमारा कट कॉपी पेस्ट एंड हमने यहाँ पे कलर भी दिया, साइज़ भी दिया। अब ये तीन ऑप्शन भी देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर हमें ये कलर नहीं देना था तो हम एक स्टेप वापस जाएंगे, कंट्रोल अंडू चेंज करेंगे, कंट्रोल सेट से अंडू चेंजेस होती है, अंडू अंडू अंडू। ओके, ये हो गई हमारी अंडू चेंज। सपोज़ हमें लिखना है बोल्ड में तो हम दिस ऑप्शन बोल्ड सेलेक्ट करेंगे या कंट्रोल भी, अगर ये लाइन हमें बोल्ड में लिखनी है सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड पर जाइए, इटैलिक में लिखनी है तो सिलेक्ट करने के बाद इटैलिक में लिखिए, अगर अंडरलाइन लिखनी है तो सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, दिस इज बोल्ड इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। कंट्रोल बी हो गया बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई हो गया इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू हो गया अंडरलाइन के लिए। होप आपको ये समझ आ रहा होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।